अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि हमने ट्रिप प्लान किया है, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान जो किया है हमने दुबई और बहरीन का। तो ये ट्रिप जो है हम वीकेंड में कवर करेंगे। हम लोग इस टाइम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और हमारी फ़्लाइट है गल्फ एयरलाइन की दुबई के लिए, ट्रांज़िट बहरीन। हम ट्रांज़िट टाइम जो है, ड्यूरेशन है वो हमारा 12 आवर्स। 12 आवर्स में हम आउट होंगे एयरपोर्ट से और 12 आवर्स एक्सप्लोर करेंगे बहरीन, छोटा सा बहरीन है। उसके बाद में हम सेम फ्लाइट लेंगे एमिरेट्स के लिए रवाना होंगे। तो गाइस, हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, हमारी इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है और हम जस्ट टेक ऑफ करने वाले हैं। यहाँ से हम आपको गल्फ एयरलाइन का रिव्यू भी देंगे। इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये मेरे लिए लेटेस्ट थी। अगर आपको नींद आ रही है, आपने अपनी फ्लाइट में सोना चाहते हैं और आप इस ग्लास को बंद करना चाह रहे हैं, विंडो को, यहाँ पे विंडो की अप एंड डाउन नहीं है तो आपने बटन को प्रेस करना है, तो बटन को प्रेस करके रखने से विंडो ब्लैक हो जाएगी, यानी बाहर से आपको कुछ नज़र नहीं आएगा दिन के टाइम। अगर आप विंडो वापस ओपन करना चाह रहे हैं तो आप इसी बटन को प्रेस करेंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की है इन्होंने, आई लाइक दैट। आप देख सकते हैं कैसे विंडो जो है ब्लैक हो गई है दिन के टाइम में, और इसको हम ऐसे ही ओपन करेंगे तो हम बाहर सब कुछ देख सकते हैं। तो गाइज़, आप हमारा रूट मैप देख सकते हैं स्क्रीन पे, किलोमीटर्स, हाइट, हर चीज़ उसमें क्लियर मेंशन है कितना टाइम में हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। LCDs हर सीट के पीछे लगी हुई है, गल्फ एयरलाइन ने प्रोवाइड की हुई है। चार्जिंग आपको USB पोर्ट मिलेगी वहाँ पे चार्जर्स के लिए, और ये था जहाज़ के अंदर का व्यू। जैसे ही हम आपको मनामा पहुंचेंगे तो मनामा की जो हिस्टोरिकल जगह हैं हम आपको वहां पे लेके जाएंगे। जी गाइस, हम मनामा पहुंच चुके हैं। ये एयरपोर्ट मुझे दुबई बहरीन का एयरपोर्ट जो है बहुत अच्छा लगा है, इवन एमिरेट्स के एयरपोर्ट से भी अच्छा, नीट एंड क्लीन था। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, इन्होंने
पानी प्रोवाइड किया हुआ है कूलर्स पीने के लिए, तो आई लाइक दैट। वेलकम टू बहरीन, किंगडम ऑफ बहरीन। हमने यहाँ पे बस का पास परचेज किया है और हम बस पे जाएंगे डाउन टाउन ऑफ बहरीन। जी दोस्तों, डाउनटाउन को हम शूट नहीं कर पाए, टाइम शॉर्ट होने की वजह से डाउनटाउन का टूर कंप्लीट हो चुका है। हम वापस एयरपोर्ट पे आ गए, तो हम एयरपोर्ट का व्यू दिखाएंगे बहरीन के एयरपोर्ट का, उसके बाद में हम दुबई जाएंगे। जी ये बहरीन का एयरपोर्ट है, और हम दुबई के लिए नेक्स्ट फ्लाइट में रवाना दवा हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, नेक्स्ट फ्लाइट हमारी बहरीन टू DXP थी। तो DXP में किसी भी कंट्री में, जैसे मैं पहले भी अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है, किसी भी कंट्री में की बाउंड्री में इंटर होने से पहले आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की सेम, और सेकंड वहाँ की करेंसी, ये आपके पास में लाजमी होनी चाहिए। तो दुबई पहुँच के हमने पास लिया है मेट्रो का, अब हम मेट्रो पे दुबई मॉल जाएंगे और दुबई के काफ़ी सारे एरियाज एक्सप्लोर करेंगे। ये दुबई मॉल है, पास आपको हर कंट्री की मेट्रो का इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ओबर और जो टैक्सी सर्विसेज हैं वहाँ पे आपको लाइक एक तो कैश पे करना पड़ता है और अमाउंट जो है वो डबल ट्रिपल होती है। तो दुबई मॉल से होके हम बोट पे बैठ के क्रॉस करेंगे रिवर को। एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो बोट है वो सिर्फ जस्ट एक दरहम की है। इस बोट पे हम बैठ के बाज़ार जाएंगे, दुबई के डाउनटाउन बाज़ार जो है दुबई का, आप देख सकते हैं। ये बोट हमें रिवर की दूसरी साइड पे लेके जाएगी सिर्फ एक दरहम में। और बाय एयर सफ़र तो काफ़ी हो चुका, अभी हमारा इरादा था हम बाय रोड जो है वो एक्सप्लोर करें। लॉन्ग ड्राइव करने के लिए हमने फ़्लाइट कैंसिल करके बाय बस जाना मुनासिब समझा दुबई से रियाद। तो अभी हम सबको बस स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ से बाई रोड जो है रियाद के लिए रवाना होंगे। रियाद में पहुँच चुके हैं, थैंक यू सो मच।